बलि रामदेव जी महाराज की। बड़ी सुंदर पंक्तियां आवृत्ति पेश करूं। और उन समय की बात है जिन टाइम एक समय की बात, अजमाल जी महाराज आपरी परजा रो बहुत ज्यादा ख्याल रखे। सुबह सुबह अजमाल जी महाराज 4 बजे उठना और आपरी नगरी रो साल संभाल करने जावे। और कोकर में महीने काफी बरसात हुई, गांव रा किसान हल बीज ले अपना खेत जोड़ने जावे, सामने अजमाल जी महाराज मिले। अजमाल जी महाराज ने देख पड़ा और गांव रा किसान सारा का सारा वापस रवाना हो गया। अजमाल जी महाराज किसान ने बात पूछे, कहे किसान आज अपनी नगरी में 12 साल से बरसात हुई है और आप पाछा क्यों जाओ, कई कारण है। अजमाल जी महाराज ने कोई जवाब नहीं देवे। एक महाराज जेड़ो भक्त गरीब ईसाई फाटोड़ा कपड़ा पहनोड़ा और हाथ जोड़ अजमाल जी महाराज ने कहे कि महाराज आप ही नगरी का राजा हो और राजा रे सामने कभी प्रजारी हिम्मत नहीं पड़े बोलने नहीं। तो अजमाल जी महाराज कई कहे अरे केरी केरी बिरखा भाया खेरी खेरी बीका बिना थे पाछा कहीं जावो, अरे मन साची रे साची बात पता वो जियो, साची साची बात पता वो जियो, घड़ी घड़ी खम्मा द्वार के रे नाथ रे रूड़ी चेरा राजा गली गली कमारे कमारे अजमाले। अजमाल जी महाराज के सामने कोई नहीं बोल सके क्योंकि अजमाल जी महाराज पूरी जगह रा ठाकर हुए और राजा हुए। राजा के सामने प्रजा कभी हिम्मत नहीं पड़ी। वो कहते हैं कि राजा जोगी अग्नि जल जारी उल्टी रीत और डरता रही हो परशुराम जी बे थोड़ी पाले प्रीत। महाराज आप ही नगरी का राजा हो, आप सामने हमारी हिम्मत नहीं पड़े। अजमाल जी महाराज का तुमने 7 गुना माफ है लेकिन सत्य बात बताओ कई कारण है। तो एक भक्त कई कहे वो थे तो अजमल जी पीरा अरे बांजिया कई जो वो थे तो अजमल जी पीरा अरे बांजिया कई जो मन सुगन खराब करना होवे जियो कहीं कहीं कमाए दुआर करे नाथ रे गुणी तेरा राजा गुणी तेरा राजा है लो सामलो जियो वार करा ना दे लो सामलो जियो कहीं कहीं कमाए हमारे अजमाल। अजमाल जी महाराज बड़ा दुखी और मेला में जावे उदास चेहरो माता मैणा दे देख पड़ा
कहे नाहत आप दुखी क्यों काई कर रहे। अजमाल जी महाराज कहे मारी प्रजा मारो मुंडो नहीं देखो चावे, इस संसार में मारो जीनो बेकार, आज के बाद मारी प्रजा ने मैं कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। माता मैडम देखे एडो कई बोल दो आपने जो आप इतना दुखी हुए, आपकी प्रजा है, आपकी प्रजा रो आप हमेशा ख्याल रखो कई कर। अजमाल जी महाराज ने सत्य बात बतावे कि हमारी प्रजा के वे कि महाराज आप मान जिया कहिजो, आज के दिन मैं खेत जोड़ने जावा और थारा शुभन हो जावे माने, तो आज के दिन हमारे खेत में मैंने एक बीज भी नहीं होवेला, ई वास्ते मारे दुखी हुए। माता बहना देखे पुत्र होड़ो नहीं होड़ो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हे प्राणनाथ आप जाओ द्वारका पुरी और द्वारका नाथ आप अर्जी जरूर सुनो। अजमाल जी महाराज के मैं 12 साल तक द्वारका पुरी किया, लेकिन भगवान एक दिन ही नहीं मिलिया वाले। माता बहना देखे हमेशा आप हाथी घोड़ा पर जाओ, भगवान के लिए जाओ तो आप भिखारी बनकर जाओ, आप तो राजा बन जाओ। उन दिन से अजमाल जी महाराज पैदल रवाना हुए, बच्चों को पैदल अपना संग रवाएंगे और अजमाल जी महाराज पोकर सु द्वार का पैदल गया और जाय पुजारी जी से बात करे कई कहे पुजारी बताते हैं कठे द्वार का नो नाथ है, वो पुजारी बताते हैं कठे द्वार का नो नाथ में तो दर्शन करवा आया जियो, दर्शन करवा आया जियो, कमारे अजमाल ने रुड़ी चरा राजा है लो सांबड़ो जियो, द्वार करा नाथ है लो सांबड़ो जियो, गणी गणी कमारे कमारी अजमाल ने। भजन किने किने बढ़िया लाग रही, अगर हाथ खड़ा कर बता दे काम सबने बढ़िया लागे नहीं तो हमारे कहने कहीं देखो जहाँ दादी पोते कहने जी देखे दोनों हाथ लगे मिट मिट ताली के साथ में 1 2 3 4 आपने नजर नहीं आवे, क्या तो पत्थरी मूर्ति है और भगवान नहीं है, आप मने भगवान से मिलो। महाराज आपने सामने बैठे हैं लेकिन नजर नहीं आवे। पुजारी मन में विचार सोचो कि अजमाल जी आज पागल हो गया, भगवान ने कहे कि भगवान नहीं है, तो अजमाल जी महाराज ने रीस आ जाए भगवान भी प्रति एक लाडू और थाल भी पुरे एक लाडू उठाए अपना और जोरदार मूर्ति ने हमारे गोपाल जी बताओ लाडू की मूर्ति ने उठायो लाडू और जोरदार एक मूर्ति ने थोड़ी ताली के बजाय द्वारा खत्म जय लाडू की मारे। पुजारी मन में सोचो आज अजमाल जी बिल्कुल ही पागल हो गया अने एड़ी जगह बताओ के पाछा नहीं आवे कि महाराज महाराज ज्यादा गर्मी पड़ेगी वास्ते भगवान स्नान करने दिया है आओ। वो जल द्वारका और समुद्र ही मैंने भगवान स्नान करे आप जाओ आपने भगवान बड़े जरूर मिलेगा। अजमाल जी महाराज के पहला कभी किली मिलिया पुजारी जी कहे के पहली नरसिंह जी का गुरु हा पीपा जी माने भगवान जरूर मिलिया समुद्र के मैंने और आप ही जाओ ला तो आपने मिल जाओ ला। तो अजमाल जी महाराज पुजारी की बात सुन पड़ा और कहीं कहे वो लोग सुनी सुनी बात दुखी हुयो अजमाल एक पुत्र के कारण भाई पहुंचा थे पता वो धुरी चेरा राजा है लो सुनो द्वार करा नाथ है लो सामो जियो घड़ी
शिव भगवान के सर पर पट्टी बांधोड़ी शेष पर आश्र लगाए, मंद मंद मुस्काए और लक्ष्मी जी भगवान रखने बैठा बैठा पंच पवे और भगवान मीठा मीठा हंसे। अजमाल जी देखते हैं हाथ जोड़ और अजमाल जी आप रो दुख तो भूल जावे, खुद रो दुख तो भूल जावे। भगवान ने जार के है महाराज सारे संसार को दुख मेटने वाला हो, तीन त्रिलोकी का ना तो लेकिन आप ही दुखी, आप पार्टी किया मान रखिए महाराज थे करना है पीबीएम और हॉस्पिटल दार पार्टी बताई ली। भगवान हंसता हंसता अजमाल जी कहे कि वो तो कोई भक्तारो प्रसाद है, कोई तो लाडू चढ़ावे और कोई लाडू नहीं चाड़ दे। अजमाल जी महाराज आपकी बात सुनपना और शर्मिंदा हो जाए, लेकिन अजमाल जी महाराज भगवान ने बात पूछे हो कहीं कहे वो द्वारिका नाथ खनी अर्जी गुजार, द्वारिका नाथ खनी अर्जी गुजारो अरे पट्टी कहा अजमाल और क्यों भगत थारे मेरी काई भक्ता पड़ी जो जल द्वार का समुद्र में मैंने तू छलांग लगा दी, इस समुद्र में छलांग लगा देवे तो पाछो जिंदो नहीं जावे, लेकिन आप एड़ो काई दुख पड़ो। तो अजमाल जी महाराज हाथ जोड़ के वे अरे पांचियो तो के वे मारो मुख नहीं देखे, अरे पांचियो तो के वे मारो मुख नहीं देखे, अरे पांचियो तो के वे जमाल
अगर तू मारे शरण में आएगी तो मैं थारा दुख दूर जरूर करूंगा। केवे वो भादरवारी बीच ओ भादरवारी बीच चांदनी आई पालनी ले झूलू जियो, आई पालनी झूलू जियो, घड़ी घड़ी कमर कमरे राजा है लो सामो जियो, द्वारका नाथ है लो सामो जियो, घड़ी घड़ी कमर घड़ी घड़ी बोलो अजमल घर अवतार।